यमुना तो NCR में हिंडन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पहले के मुकाबले नदियों का जल स्तर कम है, लेकिन ये अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। आज सुबह दिल्ली में यमुना नदी का वर्तमान जल स्तर 205.45 मीटर रिकॉर्ड किया गया। वहीं नोएडा गाजियाबाद में हिंडन नदी में आई बाढ़ से बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, जो मुसीबतें बढ़ा सकता है। हिंडन बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद नोएडा गाजियाबाद में नदी के किनारे बसे इलाकों में पानी भर गया। नोएडा के हैबतपुर, चूटपुर, बहलोलपुर, छिजारसी, चकशाहबेरी सबसे ज्यादा प्रभावित है। ग्रेटर नोएडा के 6 गांव हिंडन की बाढ़ की चपेट में है। अभी तक 800 से 1000 लोगों को राहत केंद्रों में शिफ्ट किया जा चुका है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि हिंडन में अब पानी के बढ़ने की स्पीड कुछ कम हुई है, लेकिन गाजियाबाद में कई 100 एकड़ जमीन में हिंडन नदी का पानी फैला हुआ है। आज नोएडा में सुबह के वक्त बारिश भी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में भारी बारिश होने की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो नदियों में पानी का दबाव और बढ़ने से बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो सकती है। IMD के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 4 दिन तक अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगले 3 दिन हल्की बारिश रह सकती है। अगर ऐसा होता है तो यमुना का स्तर एक बार फिर बढ़ सकता है और लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। वहीं दिल्ली इन दिनों उमस भरी गर्मी से परेशानी का सामना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।